नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, घरेलू हिंसा के ही मुद्दे पर कुछ चर्चाएं करना चाहूँगा। ध्यान से सुनिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूँ और पहले भी बताई है, उसी से मिलती जुलती कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, घरेलू हिंसा का मुकदमा जब कभी भी हमारे ऊपर लगता है या ऐसी भनक पड़ती है कि लग सकता है, तो दोनों ही मामलों में दोस्तों, पहली बात तो ये कि आप थोड़ा सतर्क रहें और मेरा वीडियो वो लोग भी देखें जिनको डाउट है कि उनके ऊपर घरेलू हिंसा लग सकता है, और जिनके ऊपर लगा है वो तो देखें ही देखें और समझने की कोशिश करें। होता दोस्तों ये है कि हम बहुत उसको लाइटली लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में कोई जेल वेल नहीं होती है, मगर उसमें जो एक भरण पोषण का जो प्रावधान है वो बड़ा दुखदाई है, और उसमें एक्स पार्टी इंटरिम मेंटेनेंस का भी प्रोविजन देके रखा हुआ है। ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये जब हो जाती हैं उसके बाद फिर क्या होता है कि आप इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। हम उसमें कभी भी गंभीरता नहीं दिखाते, और जो हमारा वकील रहता है उसको भी मतलब नहीं होता है। मैं भी एक वकील हूँ, और लेकिन ये रियलिटी है कि जो एडवोकेट्स होते हैं उनकी मेंटेलिटी है कि परेशान होने दो इसको, खूब भरण पोषण बन जाएगा, अपन इससे फीस लेंगे इसको बचाने के नाम पे, बाद में ये तंग आकर कंप्रोमाइज़ ही करेगा, उसमें अपना कमीशन निकल जाएगा। ये जनरली यही होता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब भी लगता है दोस्तों, या लगने वाला है, आपको कहीं से खबर मिली हो कि कई लोगों को मालूम पड़ा था कि उसने लगा दिया है, नोटिस आने वाला है, ठीक है, पहली बात तो ये कि बहुत क्लियर बात बताऊंगा कि या तो नोटिस ले आप स्वीकार ही ना करें। जब तक नोटिस स्वीकार नहीं करेंगे तब तक केस शुरू नहीं होगा, ठीक है, तो नोटिस को स्वीकार ना करें। और अगर नोटिस स्वीकार कर लिया है आपने तो फिर तो पेश होना ही है आपको। आप कई लोग सोचे कि नोटिस को कैसे स्वीकार ना करें, तो भैया ऐसा है कि जो नोटिस देने आए उसको थोड़ा मैनेज कर लें आप, बस यही राय दूंगा। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और नोटिस अगर मिल गया है तो इमीडिएट एक्शन लें, फटाफट जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है उसके पास RTI लगा दें, इमीडिएट एक्शन लें, लेट लतीफ ना करें दोस्तों, ये लेट लतीफ़ी आपको खा जाएगी। ये बातें आज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे कुछ अलग अलग स्टेट से लोगों के कॉल आते हैं तो कंडीशन बताते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसलिए ये बात मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे ही केस आपके ऊपर लगता है आप डोमेस्टिक वायलेंस में इमीडिएटली RTI लगा दें। RTI आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास लगानी है, ठीक है, उसमें किस तरह से लगानी है, क्या पूछना है, हालांकि मैंने कुछ पुराने वीडियो में बताए हैं, जो भी DIR रिपोर्ट बन के आती है उसके ऊपर आपको RTI लगानी है, वो एक अलग तरह की RTI बनती है हालांकि वो, और अगर आप बना सकते हो तो आप खुद बना के लगा दीजिए कि मेरे जो आपने DIR रिपोर्ट बनाई है उसमें आपने क्या कार्रवाई करी और ऐसा क्या पाया आपने कि मैं जो हूँ आपने मुझे अपराधी समझ लिया, कोई इंक्वायरी करी आपने, इंक्वायरी कहाँ करी, क्या करी, किसके बयान लिए, कहाँ पर आप गए, फलां दुनिया भर की बातें हैं, इमीडिएटली RTI लगा दें। उसके अलावा DIR रिपोर्ट लगी है तो उसको चैलेंज करें, उसको चैलेंज करना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, बिना टाइम बर्बाद किए उसको चैलेंज करें। कई लोगों का कहना है कि सर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि DIR रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था ना, वो जजमेंट कुछ और है, पर आपने उसका कुछ और मीनिंग निकाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि DIR रिपोर्ट चाहिए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था कि बिना DIR रिपोर्ट के भी ये मामला रजिस्टर्ड हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि DIR रिपोर्ट की हमको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर ज़िले में महिला बाल विकास कार्यालय बना हुआ है, जिसकी एक बिल्डिंग होती है उसमें कई कर्मचारी रहते हैं, उसमें एक क्लास वन ऑफिसर रहता है, सबको लाखों रुपये सैलरी मिल रही है, पूरा जो बिल्डिंग बनी है उसमें कंप्यूटर है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, एक एक जगह का खर्चा सरकार करोड़ों का है हर महीने का, एक एक जिले का, पूरे इंडिया भर में कितने जिले हैं और कितने वन स्टॉप सेंटर महिला बाल विकास के सेंटर बने हुए हैं,
वहाँ पर कितना खर्चा सरकार कर रही है। तो सरकार इसलिए खर्चा नहीं कर रही है कि कोई वहाँ पर जाए और सिर्फ बोल दे और वो उसको लिख दे और कोर्ट में पेश कर दे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर वो सेंटर बने हुए हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो सच्चाई का भी पता लगाएं। वहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर बैठता है जो डोमेस्टिक वायलेंस में DIR रिपोर्ट बन के आती है, जिसको डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कहते हैं। ये रिपोर्ट वन स्टॉप सेंटर में जो व्यक्ति बैठा है जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर कहते हैं वो बनाता है या बनाती है। ठीक है, और महिला बाल विकास विभाग जो होता है जिसको वन स्टॉप सेंटर कहते हैं, ये महिला बाल विकास मंत्रालय जो है दिल्ली उसके अंडर में आता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इमीडिएटली आपको उससे पूछना है कि आपको, आपने मुझे कैसे अपराधी मान लिया, आपने रिपोर्ट कैसे बनाई। क्योंकि रिपोर्ट का अर्थ दोस्तों होता है कि किसी भी चीज़ में इंक्वायरी करने के बाद कोई एक खाका तैयार करना, उसको रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपके पास आया, मैंने जो कहा आपने लिख दिया और जो है कोर्ट में सबमिट कर दिया। तो इमीडिएटली RTI लगाएं और उसके बाद जो है उस रिपोर्ट को चैलेंज कर दें। उसको चैलेंज करना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये तर्क भी दें कि सर या मैडम, जो वन स्टॉप सेंटर है, भारत सरकार लाखों नहीं करोड़ों खर्च करती है एक एक वन स्टॉप सेंटर पर, इनको किस लिए बिठाया गया है? इनको इसलिए बिठाया गया है क्या कि ये बैठे बैठे कुछ भी रिपोर्ट बना देंगे? अगर इनका इसलिए बिठाया गया तो ये काम तो कोर्ट का चपरासी भी कर सकता है, फिर इतना बड़ा सेंटर डालने की क्या ज़रूरत थी? आपको ये दलील देनी है दोस्तों। उसके अलावा कई केसों में, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता लेकिन बाहर कई लोगों ने बताया दिल्ली वगैरह में कि सर DIR रिपोर्ट तो वकील खुद ही बना के पेश कर देता है। दोस्तों वकील नहीं कर सकता ये काम। वकील अगर कर रहा है इमीडिएटली चैलेंज कीजिए उसको, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। DIR रिपोर्ट जो बनकर आती है महिला बाल विकास विभाग से या वन स्टॉप सेंटर से, उसमें टॉप पर लिखा रहता है महिला बाल विकास विभाग वन स्टॉप सेंटर, ब्रैकेट में लिखा रहता है सखी, ध्यान रखें ब्रैकेट में लिखा रहता है सखी सेंटर, इंग्लिश में लिखा रहता है वन स्टॉप सेंटर वेमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, ये लिखा रहता है उसमें। और फिर उसके नीचे वहाँ का एड्रेस लिखा रहता है, फिर उसमें तारीख लिखी रहती है और जो लेटर उन्होंने भेजा है बना के रिपोर्ट उसका नंबर लिखा रहता है। उसके बाद नीचे लिखा रहता है सेवा में या टू करके, हिंदी हो इंग्लिश हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या न्यायिक दंडाधिकारी महोदय, और फिर नीचे लिखा रहता है कि आपके आदेश अनुसार ये रिपोर्ट सादर आपकी तरफ प्रेषित है। उसको उसमें पूरा एक एक दो पढ़ने का जो आपकी वाइफ ने कहानी बताई वो लिखी रहती है, और आखिरी में लिखा रहता है कि पीड़िता के बयान से मालूम पड़ता है कि उसके खिलाफ जो है घरेलू हिंसा हुई है, कारित की गई है, अतः श्रीमान से निवेदन है कार्रवाई करने कष्ट करें। फिर उसमें सील लगी रहती है, साइन रहती है। ऐसी कुछ होती है डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। कई अलग अलग राज्यों के लोगों ने बताया कि सर हमारे यहाँ तो वकील बना लेता। वकील को ये बनाने का राइट नहीं है दोस्तों। अगर आपकी फाइल में लगी है उसकी कॉपी आपको मिलती है, इमीडिएट एक्शन लीजिए कि सर ये रिपोर्ट फर्जी है, गलत है। प्रोटेक्शन ऑफिसर को समन जारी करवाइए, उससे पूछे तूने बनाई है, तूने नहीं बनाई किसने बनाई है, उसकी 12 बजवाइए। ठीक है, ये एक्शन आपको लेने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, 60 दिन में जो है केस ख़त्म करने का नियम, उसकी एप्लीकेशन लगा दो, क्योंकि जितनी जल्दी मामला ख़त्म होगा उतना अच्छा रहेगा। घरेलू हिंसा मुकदमा व्यक्ति आराम से जीत सकता है, क्योंकि घरेलू हिंसा साबित होती नहीं, क्योंकि घरेलू हिंसा के मामले झूठे होते हैं। तो कोई भी व्यक्ति घरेलू हिंसा का मुकदमा आराम से जीत सकता है। ठीक, अब वो 60 दिन का मुकदमा 6-6 साल चल रहा है, इंट्रीम ऑर्डर हो गया है, आप 6-6 साल का इंट्रीम भर के पागल हो जाते हैं। मालूम पड़ा 6 साल में आपने 6 लाख 10 लाख 15 लाख तक सिर्फ भरण पोषण दे दिया, वकील साहब ने फीस अलग ले ली, मेंटल टेंशन आपको अलग चल रहा है। जो उसमें प्रावधान है उसको फॉलो कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, उसमें कहा गया है कि घरेलू हिंसा में जो है प्रोटेक्शन ऑफिसर जो रिपोर्ट बनाता है उसके पहले इंक्वायरी करता है। क्या इंक्वायरी करी भैया तुमने, कैसे पता लगाया कि हमने घरेलू हिंसा करी है? इमीडिएटली उसमें काम कीजिए। आपके घर वालों के अलावा, आपके अलावा घर वालों के नाम भी है, डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाओ भाई। डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा के अपने अलावा बाकी लोगों को उस जो केस लगा घरेलू हिंसा का उससे बरी करवाओ, उससे उनका नाम हटवाइए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन सेक्शन 236 के तहत लगाना पड़ती है।
वो लगाइए, वो लगेगी तो कई लोगों के नाम हटेंगे, नाम हटते ही उनके माध्यम से अपनी वाइफ को नोटिस जारी करवाइए मानहानि का, और जहाँ जहाँ भी वो लोग रहते हैं आपके रिश्तेदार वहाँ वहाँ से मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाओ। जब काउंटर के हिसाब करोगे तो आपकी वाइफ को मतलब बेचैनी शुरू हो जाएगी। ये सब एक्शन शुरुआत में ही ले लेने चाहिए, जैसे ही नोटिस मिला 2-3 दिन के भीतर ये सब एक्शन आपको ले लेने चाहिए। लेकिन ये देखने को मिलता है कि 3-3, 4-4 महीने हो चुके हमने कुछ किया ही नहीं है, और उसके बाद फिर कुछ 8-10 महीने में इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। ये सब एक्शन आपको शुरुआत में ही ले लेने चाहिए तो आप इस केस से बच सकते हैं, वरना अगर 2-3 साल अगर इस केस को खींच दिया कोर्ट ने, उसके बाद आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। शुरुआत में ही करना है जो करना है, ठीक है, उसके बाद नहीं। तो जो मिस्टेक आप लोगों की तरफ से होती है वो यही होती है, ये अक्सर देखने को मिलता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस अगर लग रहा है तो सतर्क रहें, क्योंकि ये केस दिखने में सिंपल है लेकिन जब ये आगे बढ़ता है 1-2 साल बाद तो फिर ये केस हालत ख़राब कर देता है। भरण पोषण का जो है प्रोविज़न है ये बड़ा उटपटांग टाइप का है, इसलिए शुरुआत से ही अगर आप खबर मिल गई कि उसने ये केस लगा दिया है तो उसी दिन से कमर कस लो, फटाफट कई एप्लीकेशन तैयार रखो और उसको कोर्ट में देना शुरू कर दो। IIT वगैरह लगाई है तो महिला बाल विकास सेंटर भेजो उस एप्लीकेशन को, ये सब काम फटाफट कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरीके से खेलेंगे तभी आप जीत सकते हैं। और कोर्ट को बोलिए कि मैडम 60 दिन, जो भी जज होगी 60 दिन का केस है, 60 दिन में वो ख़त्म किया जाए। उसके अलावा डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाइए, जिन ऐसे लोगों के नाम लिख के रखे हैं जो आपके परिवार के सदस्य तो हैं मगर वो आपसे दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, उनकी एप्लीकेशन लगाओ डिस्चार्ज, उनका नाम हटेगा, वो अपनी तरफ से केस लगाएंगे। ये सब आपको करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं कोई करता नहीं, सब सुनते हैं फिर बहाने से हमारा वकील ऐसा, आपका वकील ऐसा है तो फिर आप खुद ही इस काम को कीजिए, क्योंकि आपके वकील के लिए आप सिर्फ एक क्लाइंट हैं, ठीक है, उसको आपसे पैसे से मतलब है, लेकिन आप अपने लिए अपने आप में पूरा एक जीवन है, आपको भी लाइफ पड़ी हुई है, आपको एक लंबी लाइफ जीना है। महिलाएं ये केस लगा के बिल्कुल घर पे बैठ जाती हैं, ये केस लगने के बाद 60 दिन वाली एप्लीकेशन जरूर लगाएं। साथ में महिला केस लगा देती है और सालों कोर्ट आती नहीं है, उसका वारंट निकलवाएं। कोई भी व्यक्ति चाहे पीड़ित क्यों ना हो, अगर वो बयान देने नहीं आ रहा है कोर्ट उसका वारंट निकालती है, ठीक है, वारंट निकालेंगे तभी बयान देने, वरना क्या होता है वो जानबूझ के सालों साल नहीं आते, क्योंकि भरण पोषण आपको देना पड़ता है। भरण पोषण आप नहीं देंगे वह एग्जीक्यूशन लगा देगी और फिर आपकी गिरफ्तारी वगैरह शुरू हो जाती है। और अगर ये पूरा केस डोमेस्टिक वायलेंस का अगर साबित हो गया कि आपने घर में हिंसा नहीं की है तो उसका भरण पोषण कैंसिल हो जाएगा। एक और बात कि महिला कहीं से भी घरेलू हिंसा का मुकदमा नहीं लगा सकती, जानबूझ के पति को परेशान करने के उद्देश्य से महिलाएं कहीं से भी मुकदमा लगाती हैं, ये गलत है। मुकदमा सिर्फ वहीं से लगेगा जहां पर या तो महिला की शादी हुई हो या जहां पर वो अपने पति के साथ लंबे समय तक रही हो, इन दो के अलावा किसी तीसरी जगह मुकदमा नहीं लग सकता। तो अगर आपको लगता है कि उसने ऐसा किया है इमीडिएट एक्शन लीजिए और जहां उसने लगाया वहां से उसको खारिज करवाइए। हमने करवाया है खारिज, हमारे पास एक केस आया था, महिला जो थी वो उसका मायका कहीं और ससुराल कहीं और, वो जानबूझ के हमारे शहर में रहने आ गई कुछ दिन के लिए और उसने वहां से घरेलू हिंसा का मुकदमा लगा दिया, बाद में इंदौर कोर्ट ने खारिज कर दिया उस मुकदमे को। ये महिला यहाँ की स्थायी निवासी है ही नहीं, विजिट के लिए कहीं पर महिला जा रही है, इसका अर्थ नहीं कि वहाँ से केस लगाएगी, नहीं लग सकता। इसके अलावा महिला अगर केस को ट्रांसफ़र करवाना चाहती है तो वो भी जरूरी नहीं कि ट्रांसफ़र हो, कई मामले यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हुए। ट्रांसफ़र तब हो जाते हैं जब कोई बहुत बड़ा कारण हो या इंटर स्टेट मैटर हो। इंटर स्टेट मैटर मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का मौत है, तब जरूर महिला है उसको महिला होने का लाभ मिल सकता है।
अन्यथा आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। अगर वो लगाती है तो आप बकायदा उसको चैलेंज कीजिए। लगभग 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर इतनी दूर के मामले ट्रांसफ़र नहीं होते हैं दोस्तों, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुकदमा लगाया है, आपके घर में भी माँ है, बहन है, दूसरी औरतें हैं, उनकी तरफ से आप मुकदमा लगाओ घरेलू हिंसा का, किसने रोका है। ये एक्शन दोस्तों आपको लेने पड़ेंगे। जब भी मेरे पास फ़ोन आते हैं तो मैंने कहा हमने हमारे वीडियो में बताई हुई है चीज़ें, शुरुआत से ही एक्शन लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसों में, समझे आप, शुरुआत से ही एक्शन लीजिए। कोशिश कीजिए कि वो मामले को आप खारिज करवा दें। घरेलू हिंसा जो लगी हुई है, आपकी कोशिश ये हो कि उस केस को आप उड़ा दें, उसको ट्रायल मत चलाइए, उसमें कोई जवाब मत दीजिए, उसमें पहले जो काम करना चाहिए, अगर DIR रिपोर्ट आने के बाद ही, जनरली पूरे इंडिया में ये होता है कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आने के बाद ही आपको नोटिस जारी होता है, उसको तुरंत चैलेंज करें, जहाँ लगा है वहाँ चैलेंज करें, वहाँ से खारिज होगा सेशन जाएं, सेशन से तो हाईकोर्ट जाएं, अगर औकात सुप्रीम कोर्ट जाने की तो वहाँ भी जाएं, पक्का एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, बात यह है हमने कितने लोगों को ये बातें बताई, लेकिन कोई ज़्यादा कोई जागरूकता लोगों में फैल नहीं रही है। हम जो सो रहा है उसको जगा तो सकते, जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगा सकते। हमें एक्शन लेने पड़ेंगे तभी आप मुकदमे जीतेंगे, वरना तो क्या है कि ये चलता चलता है, चल रहा है, चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि जो हम मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो, शुरुआत से ही उस पर एक खतरनाक अटैक कर दीजिए। तो अगर कुछ डाउट वगैरह है तो हम मैसेज बॉक्स में क्लियर कर लेंगे। आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के दोस्तों बहुत बहुत